ये एक है जो पुराना ब्रिज है, वो तो बहुत ही कमजोर है, अब उस पर शायद काम करेंगे। और हम पहुंचे हैं कोहिमा में इस वॉर सेमेट्री पर, विच इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस ऑफ कोहिमा कहा जा सकता है। दिस इज सिचुएटेड राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इस जगह को हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए हम खोनोमा विलेज से जल्दी जल्दी चल के यहाँ आ गए। खैर टाइम है, दिस इज़ ओपन फ्रॉम 9 इन द मॉर्निंग टिल 4 इन द इवनिंग। दिस सेमेट्री वॉज बिल्ट फॉर द सोल्जर्स ऑफ सेकेंड ब्रिटिश डिवीजन ऑफ अलाइड फोर्सेज हु डाइड फाइटिंग विद जैपनीज ऑन दिस हिल विच इज़ नोन एज गैरिसन हिल। तो कहा जाता है कि इस स्लोप पे जो डिप्टी कमिश्नर थे उन दिनों, उनका मकान होता था और उनके ही टेनिस कोर्ट में ये वॉर हुई थी। वेरी वेल मेंटेन प्लेस। दिस प्लेस इज मेंटेन बाय कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन, जो इसके साथ ही और भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी सिमेट्रीज हैं जिनको वो मेंटेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन अबाउट 1420 सोल्जर्स आर बरीड हियर। तो देखिए बहुत अच्छा, इन सबको जब पास से देखते हैं तो सबके ऊपर नाम दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है, कुछ कोट्स भी लिखे हुए हैं। यू आर गॉन बट नॉट फॉरगॉटन, बिलवड एंड मिस्ड बाय दोज लेफ्ट बिहाइंड। इसी तरह से हर ग्रेव स्टोन जो है उसके ऊपर कुछ कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। इन 1944 जापानीज आर्मी ने बर्मा से आकर के इम्फाल और कोहिमा पर अटैक किया था टू एंटर इंडिया, और ये कोहिमा और इम्फाल की बैटल यहाँ पे यहाँ की सबसे बड़ी बैटल मानी जाती है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं जिससे आप धीरे धीरे ऊपर चलते जाइए। ये देखिए सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते हैं। इनके को भी यहाँ आने का बड़ा शौक था, वैसे तो ज़्यादा मॉन्यूमेंट वगैरह पर इतना समय बिताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी वो इन्जॉय कर रहे हैं और नाम वाम पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं आगे। पीछे आप देख सकते हैं कोहिमा का मेन टाउन। राइट ऑन द टॉप हियर यू कैन सी द बिग क्रॉस बिहाइंड मी, और यहाँ से कोहिमा का व्यू बहुत ही अच्छा है। ये वॉर सिमेट्री एक स्लोप पे बनी हुई है, तो एकदम जो ये टॉप पोर्शन है यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ पर 917 हिंदू एंड सिख सोल्जर वर क्रीमेटेड। रियल प्लेस है, यहाँ पे सारे नाम हैं जो इंडियन मुस्लिम्स थे, नूर मोहम्मद, मोहम्मद सखी, मोहम्मद खान। सो दिस इज़ वेयर ऑल द सोल्जर्स हु आर मुस्लिम्स, हु आर इंडियन मुस्लिम्स एंड हु आर फाइटिंग फॉर ब्रिटिश आर्मी, दे आर बरीड हियर। देखिए यहाँ से कोहिमा कितना सुंदर लग रहा है। सिमेट्री तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम रुक के पढ़ते हैं ना मुझे बहुत बुरा लगता है, कितने यंग यंग थे, कोई 20, कोई 30, 24। टेनिस कोर्ट में एग्जैक्टली इसी जगह एक चेरी ट्री हुआ करता था उन दिनों, जो कि शूटिंग पोस्ट था फॉर जापानी स्नाइपर्स एंड विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर। प्रेजेंट ट्री है ये, उसी पुराने वाले ट्री का ही शूट है। चलिए चला जाए, अभी आप चलने को तैयार नहीं है क्या? और एनके को बुला रही हूँ मैं, लेकिन उनका यहाँ मन बहुत लग रहा है, वो अभी भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर लिखी है फेमस कोट, व्हेन यू गो होम टेल देम एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव अवर टुडे, एंड दिस इज द कोट विच बिकेम सो फेमस लेटर ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्लेस इज सो वेल लेड आउट एंड सो ब्यूटिफुली डन। मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी, हम यहाँ घंटों बिता सकते थे, लेकिन अब चलते हैं यहाँ से। सेमेट्री से हम निकल चुके हैं और अब ये देखिए हम कोहिमा के मार्केट से होते हुए जा रहे हैं कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट देखने। किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ कोहिमा में एक जगह है मेड इन नागालैंड, और कहा कि वहाँ जाइए, वहाँ आपको बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट दिखेंगे।
और ये पहुंच गए हम यहाँ के सेक्रेटेरिएट पे। ट्रैफिक अभी बिल्कुल नहीं है, खुली जगह है। हाँ खुली जगह है। ये पहुंच गए हम मेड इन नागालैंड पे, और एकदम देखिए गेट वगैरह भी एकदम ट्रेडिशनल नागा स्टाइल में बनाया है। और यहीं पर मुझे एक ऊपर ही फूड हब भी दिख रहा है। 3 बज गया है, हम लोग आए हैं यहाँ पर। बड़े अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मेड इन नागालैंड लिखा हुआ है। तो ख़रीदा तो नहीं हमने कुछ, एक दो चीज़ें पसंद आई, लेकिन कैसे कैरी करेंगे उसे। तो बट दे हैव सम रियली नाइस कलेक्शन। तो यहीं पर ऊपर था फूड हब, इनको यहाँ पे लग गई भूख, तो हम लोग यहाँ पर आ कर के खाने का ऑर्डर दिए हैं। छोटा सा है अंदर, जैसे 3-4 शॉप्स हैं, फूड कोर्ट जैसे हम लोग के यहाँ मॉल वगैरह में होता है, तो वहाँ पर आप जाइए। ज़्यादातर तो वैरायटी इनके पास नॉन वेज में बहुत है, बीफ पोर्क चिकन वगैरह। तो खैर मैंने अपने लिए लिया कुछ वेजिटेरियन, एंड इनके है इज़ गोइंग फॉर राइस एंड चिकन एज़ यूजुअल। आ गया हमारा खाना, विच लुक्स वेरी यमी। मेरी तो आ गई कॉफ़ी, एंड आई हैव टेकन वेज फ्राइड राइस विथ चिली पोटैटो। इनके इज टेकिंग लेमन टी विथ एग फ्राइड राइस विथ चिली चिकन। तो खाना बनाने में समय तो लगाया उन्होंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, बट इट्स वेरी टेस्टी, एकदम यम्मी खाना है, एकदम ताज़ा ताज़ा बनाया है। यहाँ की जो रेड चिली होती है बहुत ही तेज और तीखी होती है, तो इन्होंने यह साथ में एक खाने के साथ दिया है रेड चिली सॉस। ओहो, उसको चावल में डाल के खा रहे हैं ना, तो बस मज़ा आ जा रहा है। और जब हम यहाँ से लंच करके निकले तो सामने ही मुझे बहुत अच्छा सा फ्रूट मार्केट दिख गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। तो हम ज़रा देखने आ गए हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सब लोकल चीज़ें हैं, ऑरेंज एप्पल खाया था हमने होटल में सवेरे, बहुत ही अच्छा था। तोरी है, बैगन है, टोमेटोज, वेरी कलरफुल मार्केट। और एक चीज़ हमने नोटिस की यहाँ पे कि ऑल दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स आर रन बाय वीमेन ओनली। केले यहाँ के बाहर से तो थोड़े वैसे दाग वाले दिखते हैं, लेकिन अंदर से एकदम साफ सुथरे। इतना सारा टोमेटो, मटर, बीन्स खूब यहाँ पे दिखती है मुझे, अच्छी बीन्स। व्हाट इज दिस चिली? चिली चिली ये शायद यहाँ की लोकल मिर्ची है। दूर से एकदम लगती है कि कोई फ्लावर है, लेकिन सुनते हैं बड़ी तेज होती है ये। अच्छा, किंग चिली है ये मे भी शमोकांत ने बताया। यहाँ से कोहिमा बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो हम लोग थोड़ा सेक्रेटेरिएट के पास आ गए, जहाँ ट्रैफिक अभी बिल्कुल नहीं है, खुली जगह। हाँ खुली जगह है। ये है हमारा कोहिमा का होटल। 4:10 हो गए हैं और हम लोग आ गए अपने होटल में वापस, और ऑलमोस्ट सनसेट का ही टाइम हो गया। हम वापस आए हैं तो सनसेट का ये व्यू दिख रहा है हमारे होटल से। दिस इज़ द व्यू वी गेट फ्रॉम आवर रूम इन कोहिमा। बादल आ गए हैं तो सनसेट पूरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लुक एट दिस ग्रे एंड ऑरेंज क्लाउड्स। कोहिमा के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, द रोविंग स्पिरिट, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।